साथियों, अब ये साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के बहाने बहन मायावती का तो फायदा उठा लिया, चालाकी की, उनको अंधेरे में रखा, बड़ी बड़ी मान सम्मान की बातें की, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे ये भी कह दिया, लेकिन पीछे से अब बहन जी को समझ आ गया है कि ये सपा ने और कांग्रेस ने मिलकर के बहुत बड़ा खेल खेला है। अब आप देखिए, बहन जी खुलेआम कांग्रेस की आलोचना करती है, नामदार की आलोचना करती है, उनकी नीतियों की आलोचना करती है, कांग्रेस को कोसती है, लेकिन दूसरी तरफ बहन जी के साथ गठबंधन करने वाले लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह कांग्रेस के मुद्दे पर चुप है, कांग्रेस पर नरमी दिखा रही है। बची कांग्रेस तो उसके नेता खुशी खुशी समाजवादी पार्टी की रैलियों में मंच साझा कर रहे हैं। बहन जी को ऐसा धोखा इन लोगों ने दिया है कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। भाइयों और बहनों, इन महामिलावटी लोगों की यही सच्चाई है। साथियों, ये वंशवादी ऐसे हैं जिनका झूठ कभी न कभी सामने आ ही जाता है। इसके लिए सबूत खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए, जो पार्टी पहले चरण के मतदान से पहले खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार बता रही थी, वो ये मानने लगी है कि हम तो यूपी में सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वोट कटाऊ पार्टी बन गए हैं। कांग्रेस का कितना पतन हो गया है, ये इसका जीता जागता सबूत है। भाई और बहनों, वोट काटना, समाज तोड़ना, देश बांटना, कैबिनेट का अध्यादेश फाड़ना, यही कांग्रेस की पहचान बन गया है।